मैं पूछा था तो ऐसी किस किस को सबमिट आई हो? यस सर। पक्का? यस सर। तो अब हमें आईसी को सिर्फ लगाना है। ध्यान दो, यहाँ पर ये जो चार टेस्ट पॉइंट दिए हैं, ये हमारे I2S के हैं। किसके? I2S। हाँ, ये I2S से अगर ये निकलता है तो यहाँ से जंपर मार सकते हैं। अब वो आईसी कैसे काम कर रही है, उसको कितना CPU से GR या कौन सा फ्रिक्वेंसी क्लॉक RX TX चाहिए वो दिखा रहे क्या? ये चीज कौन कौन समझा यहाँ पर? रिसीवर का एंडलेस सोल्यूशन किस किसके पास है? हेलो, वेरी गुड। और हम स्पीकर की बात कर रहे हैं, एक और चीज बताओ, ऑडियो आईसी, नॉब ऑल ऑडियो आईसी हो या स्मार्ट PA हो, कौन कौन आइडेंटिफाई कर लेगा? वेरी गुड। और अपन अभी पहले कौन सी आईसी कर रहे हैं, जल्दी बताओ? नॉब ऑल का ऑडियो है, नॉब ऑल का ऑडियो। चलो, अब मैं लाइव हूं, मेरे पास एक सेट है, इस सेट में यहाँ पर मुझे EN यहाँ से तो मिल रहा है, पर यहाँ से नहीं समझ में आई। हेलो सर, सबको आई? यस सर। कुछ भी चीज पूछनी पूछो अभी, कुछ भी कि सर कौन सी चीज कहां से उठा सकते हैं, कौन सी चीज कहां से बना सकते हैं। अभी EN को छोड़ के मैं EN समझाऊंगा, क्योंकि अभी EN कहां से उठा सकता है वही चैप्टर है इसके बाद। चलो अब इसको एक बार लाइव देखो, और ये OL, ये है A3, बोलो B3। सरफेस लेयर मिल गया ना? यस सर। यहां पे मिलेगा GR, तो यहां पर मुझे जो GR मिलेगा वो जो GR मुझे मिलना चाहिए, मुझे 250 से 700 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए बताओ? 700। तो मुझे फोन को बंद करना पड़ेगा, तो मैं अभी फोन को बंद करूंगा और बैटरी हटाऊंगा, क्योंकि टाइप का इनपुट वोल्टेज, जैसे ही ये वोल्टेज मिलता है अब इसको चाहिए IU, कौन सा वोल्टेज? इसके खुद का इनपुट वोल्टेज चलाने के लिए, तो वो वोल्टेज कौन सा होता है जल्दी बताओ? 1.8। तो ये फोन ऑन होने के बाद आता है, कब आता है? ऑन होने के बाद। इसके लिए गाना बजाने की जरूरत नहीं है, वोल्टेज चाहिए ना?
अब उसको वोल्टेज मिलने के बाद में यहाँ पर जो वोल्टेज मिलते हैं चार्जिंग पंप है, ये सप्लाई उसके लिए एक एक्स्ट्रा पेट्रोल पंप है कि भाई जरूरत होगी तो मैं वोल्टेज दूंगा, अदरवाइज तुम देते रहो। अब इसके बाद सबसे पहले सीपीयू ऑन होने के बाद एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी भेजती है, और क्लॉक फ्रीक्वेंसी भेजने के बाद ये इसको सिंक्रोनाइज करते हैं हमने, तो ये लाइन ना जाती है आती दोनों साइड है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर डाली है, तो ये लाइन सिंक्रोनाइज होती है एक दूसरे के साथ, ताकि हाँ भाई जब सीपीयू को पता चल जाता है कि हमें सिंक्रोनाइज हो चुका हूं तब ये डाटा लेने देने का काम करता है। तो अगर आप कॉलिंग पर बोलते हो और तो इसमें टीएक्स जाएगा, और अगर आप अगर मान लो आपको कॉल आया तो सीपीयू इसको क्या करेगा, एक रिसीव सिग्नल भेजेगा, और रिसीव सिग्नल को किसमें सुनाएगा जल्दी बताओ, स्पीकर में सुनाएगा, किसमें सुनाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो अपन पूरा इसका डायग्राम के हिसाब से चेक करते हैं। तो सर एक ऑडियो आईसी को कैसे चेक करें, चलो सब लोग देखो जाओ फिर से एक बिल्कुल एंडलेस चीज, मुझे बताओ सबसे पहले यहां पर क्या चेक करोगे, जीआर बोलो कितना, मान लो ओके है। आप दूसरे नंबर पे क्या करोगे, कैसे चेक करोगे, ऑन करोगे, ऑन करके सिम लगा के कॉल लगाओगे और यहां से जंपर निकाल के उस पर वोल्टेज चेक करोगे, हेलो नहीं हुए वोल्टेज, नहीं आए वोल्टेज, तो इसका मतलब है सीधा कौन सी आईसी पे चले जाओगे, जल्दी बताओ, ऑडियो क्या ढूंढोगे, अब सीधा चेंज करोगे, बोलो मैं अभी सारे सॉल्यूशन नोट करवाऊंगा, सीधा चेंज करोगे, अब चेंज कर दिया तब भी ऑडियो नहीं बजा, रिबोलो चेंज कर दिया हेलो तब भी ऑडियो, तब करोगे ऑडियो की रिकॉर्डमेंट, हेलो बोलो, देखो सारे फॉर्मेट तुम्हारे के दिमाग में होने चाहिए। सबसे पहले हमने टिप्स पे जीआर बोलो, जीआर ओके है बोलो, तो वोल्टेज वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो किसको काम करेंगे, जल्दी बताओ, आपको मान लो वोल्टेज आ रहे हैं तो क्या, वो सब बताऊंगा, अभी वोल्टेज नहीं आ रहा है, इस आईसी को चेंज कर दिया, बहुत इजी है आईसी चेंज करना, आईसी बदल लिया, अब इसके बाद नहीं चली तब मतलब ये आईसी एक्टिविटी हो रही है ना, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। तो रिक्वायरमेंट दो तरह की होती है, दिमाग में रख लेना, दो तरह की, पावर रिसेट क्लॉक छोड़ दो, और सरल बताता हूं दिमाग में रखो, सर मुझे दो तरह की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, पहला पावर और दूसरा सीपीयू का डाटा, बोलो पावर सीपीयू का डाटा, बोलो चलो देखो, सबसे पहले अपन इसकी पावर रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, क्या करेंगे, और उसके बाद इसका सीपीयू का डाटा, देखो कैसे, देखिए तो मैं इसका डाटा सीट खुलना पड़ेगा, मतलब इसकी पावर आईसी, मतलब इसका डायग्राम या इसका डाटा सीट, तो नोटिस करो हम इसकी डाटा सीट पर जाते हैं यहां पर, सो यहां गए और यहां पर, तो यहां पर हमारा जो ये जा रहा है ये देखो इस आईसी के 92-93 पे है, ये तो कनेक्टेड है क्योंकि जीआर तो बीसी से आ रहा है ना, अब हम इसमें सबसे पहले पावर ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे जल्दी बताओ, तो पहला हम ढूंढेंगे हम अपना स्पीकर ड्राइव, मतलब चार वोल्टेज वाली लाइन, तो ये वीपीएच वाली लाइन ढूंढेंगे, तो इस कैपेसिटर पे ये हमारा जो कैपेसिटर है C1024 इस कैपेसिटर पे हमको पावर चार वोल्टेज मिलना चाहिए, तो हम यहां पर डालेंगे कैपेसिटर कहां पर है, तो यहां पर हम डालेंगे, ये हमने डाला ये देखो ये यहां पर ये कैपेसिटर यहां पर है ना, यहां पर सब नोटिस करो, अब हम यहां पर चार वोल्टेज देखेंगे, कितना वोल्टेज देखेंगे, और अगर नहीं आता तो इस कैपेसिटर पर सीधे चार वोल्टेज का जंपर मार देंगे, समझ रहे हो मेरी बात, तो पहले हमने इसको डीसी के साथ कनेक्ट किया है, हमने फोन को ऑन नहीं किया क्योंकि चार वोल्टेज का मामला है, अगर वो चार वोल्टेज नहीं बोलता, वो बोलता वीआरईजी के, किससे बताओ वीआरईजी, मतलब सीधे पावर आईसी से आता तो ऑन करते, चार वोल्टेज है तो ये कैपेसिटर है ना, यस सर, तो यहां पर हम चेक करेंगे कि हमारे को कोई वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मल्टीमीटर ऊपर देखो डीसी में रखिए, तो यहां पर हम देखेंगे तो हमारे को वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं, तो हम यहां पर केबल लगाएंगे और केबल लगाकर वोल्टेज चेक करेंगे, ये देखो ये हमने केबल लगाई, फिर हम इसको ऑन भी करेंगे, ये देखो हमने केबल लगाई, अब हम वोल्टेज चेक करेंगे, ये पकड़ो, तो हमको सारा वोल्टेज मिलना चाहिए, एक भी वोल्टेज मिसिंग रहा तो मतलब हमको उस वोल्टेज के लिए काम करना है, हम बाईपास भी कर सकते हैं पर बाईपास के लिए वो वोल्टेज होना जरूरी है, ठीक है, तो यहां पर नोटिस करो, अब यहां पर हम चेक करेंगे, तो यहां पर हम चेक करते हैं चार वोल्टेज,
तो हम देखते हैं कि हमें चार वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है चार वोल्टेज, ठीक है, तो ये तो हमारा पूरा है। अब हम फोन को ऑन करेंगे, तो नोटिस करो, अब एक फोन की बूटिंग समझो थोड़ा सा, ये भी समझ लो, मैं आगे भी समझाऊंगा। जैसे ही फोन को ऑन करते हैं तो हमेशा 3-0 नहीं, एंड्रॉइड में खासतौर पर आईफोन में 3-0 देखते हैं, एंड्रॉइड में 2-0 देखते हैं। आप भले 5-0 वाला डीसी लेके बैठे हैं, हम जितना जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पर वो हमसे इसलिए बढ़ाएंगे ताकि हमें नैनो सॉर्टिंग तक दिखाई दे कि अगर कोई सॉर्टिंग है कि नहीं है, ऑन होने का कोई वो सीन नहीं है। तो आपको केवल 2-0 देखने हैं, अभी रुक जाओ, 2-0। अभी इसका बूटिंग क्या है, तो किसी भी एंड्रॉइड का अभी तक की बूटिंग ये है कि ये पहले यहां पर 1 आएगा, फिर यहां पर 2 आएगा, सीधे 3 कभी नहीं आएगा। मतलब ये 0-1 से 20 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, कितना 0-1 बोलो, 0-1 हाँ, मतलब 0-1 से 20 के बीच में है और वो कभी ऑन नहीं होता है, वो बूटिंग का प्रोसेस है। और जब वो 20 के ऊपर जाएगा तब वो लोगों में आता है, किस पर आता है, लोगों में। चलो करो, देखो, तो देखो 0-1 के बीच में अभी 20 अभी ऑन नहीं हुआ हमारा सेट, 20 के ऊपर होना चाहिए फ्लक्चुएट, अभी भी ऑन नहीं हुआ सेट, अभी भी डेड हो सकता है, अभी भी ऑन नहीं हुआ है, तो इसको भी ऑन नहीं मानेंगे 20 के ऊपर। तो अभी भी अब 20 के ऊपर जाएगा, अब देखो अब गया ना यहाँ पर, अब इसका मतलब है कि सेट हमारा क्या हुआ है, ऑन। अगर 20 के अंदर ही रहता, घूमता रहता, तो वो ऑन नहीं है, तो वहां क्या कंडीशन है वो डेड मिलेंगे। अब आओ दूसरा वोल्टेज चेक करें, चलो अब आपको ये लिस्ट चेक करनी है, तो मेरा दूसरा वोल्टेज कौन सा है, अब मेरा ये वोल्टेज हो गया, अब वोल्टेज बताओ, ये कोडिंग देख लो, बोलो, मैंने सारी कोडिंग दी है हर आईसी की, अभी दिखाता हूं फोटो, कुछ भी नहीं ढूंढना है तुमको, डायरेक्ट डाटा सीट से सिर्फ फोटो उठाना है, मेरी मेरा डाटा उठाना है। तो यहां पर क्या है जल्दी बताओ, वीडीडी आईओ, अब तुमको डायग्राम में वीडीडी आईओ ढूंढना है, ये देखो अब तुमको इसका डायग्राम खोलना है और वीडीडी आईओ, या तुमको इस डायग्राम में सीडीसी में वीडीडी आईओ दिखाई दे रहा है, 1.8 C1005, हम इस कैपेसिटर को घूमेंगे, तो ये कैपेसिटर यहां दिखाई दे रहा है यहां पर, देखो। तो अब हम इस कैपेसिटर पर 1.8 वोल्टेज चेक करेंगे, कितना वोल्टेज जल्दी बताओ, 1.8। तो ये कैपेसिटर ये है छोटा सा, यस सर, ठीक है, थोड़ी सी चीजें आ रहा है 1.8, यस सर, इसका मतलब हमारा आईओ लाइन भी ओके है। अब इसके बाद हम तीसरा वोल्टेज कौन सा चेक करेंगे, ध्यान दो, तो हम फिर से डाटा पर जाएंगे, वीडीडी पीए, बोलो स्लिप आएगा, सब लोग देखो इधर। सो अब हम यहां पर वीडीडी पीए देखेंगे, ये वीडीडी पीए दिखाई दे रहा है यहां पर, ये कैपेसिटर में कितना वोल्ट लिखा हुआ है, 2, तो इसका मतलब है हम इस कैपेसिटर को देंगे 10-20, और यहां पर जाएंगे और देखेंगे ये 10-20 यहां पर आ रहा है, यहां 2 वोल्ट आना चाहिए, कितना वोल्ट आना चाहिए, देखो फोन मेरा अभी भी चालू है, भले स्लीप मोड में चले जाए पर अभी भी 2 वोल्ट आना चाहिए, नोटिस कीजिए। तो यहां पर हमारा ये कैपेसिटर, ये है ना कैपेसिटर, आ रहा है 2 वोल्ट, अब इसके बाद हम कौन सा ढूंढेंगे, अब आखिरी, और फिर से हम अपना फोटो खोलेंगे, भाई मैंने हर तरह का फोटो दिया है, इनिशियल सारे फोटो दिए हैं, बाकी एक डायग्राम से भी कैसे ढूंढ रहा हूं वही बता रहा हूं, इसलिए भी फोटो नहीं दिखा रहा। अब तीसरा वोल्टेज ढूंढेंगे वीडीडी सीपी का, किसका चलिए बताओ, चार्जिंग पंप, चार्जिंग पंप, आईओ, आईओ, पावर एम्पलीफायर, चार्जिंग पंप, चार्जिंग पंप में देखेंगे कैपेसिटर लगा है 1004 में जाएंगे यहां पर, और यहां पर जाएंगे और ये इधर लगा हुआ है बड़ा कैपेसिटर दिखाई दे रहा है यहां पर, तो यहां पर भी 2 वोल्ट आना चाहिए, कितना वोल्ट आना चाहिए, देखो। तो प्रॉपर वोल्टेज चेक करना है ये तब जब बहुत बड़ी कंडीशन में हो, अदरवाइज तो आईसी चेंज करके ही हो जाता है। ये देखो अब इधर हम 2 वोल्टेज चेक करेंगे, तो यहां पर हम देखेंगे हमारा 2 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब देखो यहां पर हमारा कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब हम एक बार फोन को फिर से ऑन करेंगे, तो यहां पर हम फोन को ऑन करेंगे और 2 वोल्टेज चेक करेंगे। अब मुझे बताना फोन का कौन होगा, 20 के ऊपर, नीचे नहीं जाना चाहिए, हेलो, यस सर, हां 20 के ऊपर ही रहना चाहिए, ऑन हो गया, यस सर। अब हम बताएं
आई है, अब यहाँ पर हम दो वोल्टेज चेक करेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पर दो वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर चेक कर लेंगे आ रहा है दो वोल्ट, तो मतलब हमारा ये वोल्टेज भी सही है। ये जो बता रहा हूँ समझा रहा हूँ किस चीज को समझ में आ रहा है, हेलो हाँ आप जान दो, क्योंकि मुझे आपको वो बढ़ाना नहीं है जो बेसिक है जो ऑलरेडी दुकान में चल रहा है, मुझे आपको वो बढ़ाना है जो दुकानों के होने के बाद आपके पास आएगा। देखो अब हमें तो हमने क्या क्या चेक कर लिया, हमने VDD चेक कर लिया, हमने VDD में कितना वोल्टेज चेक किया, पावर एम्पलीफायर में कितना, मान लो मान लेते सीपी पर वोल्टेज नहीं आता, हेलो सपोज, तो क्या करते आप, तो इस लाइन को चेक करते हैं एक MOLED का सर्किट दिया है 16 लाख का, आप बताओ किस किस को समझ में आया प्रैक्टिकली, क्या बात है। तो क्वार्टर क्वार्टर और शो को और एक बार भी दिल बताइए कि आपने एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाया है yes, लाइव कर रहे कि नहीं कर रहे yes, देखते हैं कि डाटा बसता है कि नहीं बसता yes, तो थोड़ा सा भी बने रहे लाइव में और देखते हैं कि एक्चुअल में डाटा बचता है कि नहीं। तो कैसे रही ओवरऑल क्लास, बहुत कौन कौन ने CPU ब्लैक पेस्टेड खोला विदाउट प्रिंट डैमेज, कल से बेहतर हुआ आज yes, कोई भी प्रिंट डैमेज हुआ नहीं सर, नया स्क्रेचेस आई नहीं सर, एकदम डॉक्टर जैसा कट रही है पेस्टेड, देखिए जो तरीका है वो कैसा है। कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत इतना कॉन्फिडेंस यार सारा जी सर, ये लाइट ऐसी चलने के लिए हमको रिक्वायरमेंट जो जो है 4 वोल्ट, अगर उसमें पल्स आएंगे तो उसकी टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि IC सही है कि गलत है, ठीक है उसके में जाता है जिसमें प्रोडक्शन लगा हुआ है लगा हुआ टीजर टायर। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?